हाय गाइस, वेलकम टू इजी फार्मा। गाइस, आज हम यहाँ पे देखने वाले मेथड्स एंड प्रिपरेशंस ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस। तो गाइस, ये जो आपका यहाँ पे टॉपिक चल रहा है फार्माकोग्नोसी का चल रहा है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर। जैसे फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर 11 यहाँ पे चल रहा है फार्माकोग्नोसी में, जिसमें हमने आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। तो गाइस, ये फोर टॉपिक हम यहाँ पे पहले ही कवर कर चुके हैं। इनके लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ से इनको इजिली वॉच कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में आकर इन सभी लेक्चर्स को सीरियल वाइज यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। आज हम यहाँ पे देखने वाले मेथड्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस। अब कौन कौन से हमारे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस होती है जो गाइस हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमारी अरिष्टा होती है, असावा होती है, गुटिका होती है, तिला होती है, चूर्ण, लेहिया एंड भस्मा। तो सभी को फ्रेंड्स हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे देखने वाले। तो गाइस, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते हैं सभी नोट्स बिल्कुल सीरियल वाइज और साथ ही में सभी वीडियो लेक्चर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं यहाँ पे मेथड्स एंड प्रिपरेशंस ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस। तो सभी को फ्रेंड्स, हम कोशिश करेंगे इसी वीडियो में सबको यहाँ पे कवर करने की। देन वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है तो फ्रेंड्स हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, यानी आधा इसमें हम कवर कर लेंगे, आधा इससे अगली वीडियो में। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे क्या होती है आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस। तो जैसे फ्रेंड्स, जनरली हमने आपको आयुर्वेदिक जो आपकी आयुर्वेदिक सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन पीछे हमने आपको पढ़ाया था, उसमें टोटली हमने आपको बता दिया था कि आपके आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस होती हैं। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में चलिए इसकी डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिंस आर हेल्थ केयर मेडिसिंस इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूज। तो गाइस, क्या होता है, जैसे आपके आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस होती है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, जो हमारे नेचुरल प्लांट्स होते हैं। आपने देखा है ना भाई, हमारे पाउडर वगैरह होते हैं, आयुर्वेदिक पाउडर्स होते हैं, आयुर्वेदिक टैबलेट्स वगैरह होती हैं, तो कहाँ से कंटेन की जाती है, हमारे नेचुरल सोर्सेज हमारी होती है। जैसे भाई प्लांट्स हो गए, प्लांट्स की पत्तियाँ वगैरह हो गई, एक तरह से अगर देखा जाए तो सारे ही नेचुरल सोर्सेज हमारे ऑब्टेन की जाती है जितनी भी हमारी आयुर्वेदिक मेडिसन्स होती हैं। साथ ही मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, और साथ में क्या होता है, लॉन्ग टाइम चलने वाली हमारी ये एक तरह से मेडिसन्स होती हैं। तो इनको हम इंटरनली फ्रेंड्स हम लेते हैं, साथ ही में इनका एक्सटर्नली भी हम यूज़ करते हैं। भाई इंटरनली हम लेते हैं क्या होता है, टेबलेट्स वगैरह ले लेते हैं। एक्सटर्नली क्या होता है, आयुर्वेदिक क्रीम्स वगैरह, जैसे आपने देखा ना पतंजलि की क्रीम्स वगैरह होती है या फेस वॉश वगैरह होती है, तो उनका यूज़ हम कैसे करते हैं, एक्सटर्नली हम उनका यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए, किसी भी डिसीज़ को डायग्नोसिस कर लिए, किसी डिसीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए, साथ ही में किसी भी डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, किसी भी डिसीज़ या डिसऑर्डर। तो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करते हैं, आयुर्वेदिक अपनी यानी फॉर्मुलेशन जो हमारी होती है, मेडिसन्स होती है, उनका यूज़ हम यहाँ पर करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। द प्रिपरेशंस एंड स्टैंडर्डाइजेशंस ऑफ द फॉलोइंग आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस आर डिस्कस्ड बिलो। तो यहाँ पे जनरली फ्रेंड्स, आपके जो प्रिपरेशंस है और फॉर्मुलेशंस है वो आपके यहाँ पे दी हुई है आपके सिलेबस में। तो इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, तो आपका जो स्टैंडर्डाइजेशन है फ्रेंड्स, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये आपको कहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, अगर आप इसके बाद बी फार्मा करते हैं तो वहाँ पे आपको ये हर्बल टेक्नोलॉजी में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं, आपकी बुक्स में भी ये चीज़ नहीं दी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट हम देख लेते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे अरिष्टा हमारा क्या होता है। जनरली फ्रेंड्स, अरिष्टा जो होती है एक ऑयल होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं, मतलब लिक्विड हमारी प्रिपरेशंस होती है, यानी लिक्विड आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस होती है, जिसका यूज़ हम कैसे करते हैं, एक्सटर्नली इंटरनली दोनों तरह से हम करते हैं। अच्छा, इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो फ्रेंड्स हमारी एक प्रोसेस होती है यहाँ पे फर्मेंटेशंस। शायद आपने 11th 12th में इसको पढ़ा होगा फ्रेंड्स, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, यहाँ पे केड़वन प्रोसेस हम कहते हैं। जनरली आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, बहुत ही सारी केमिकल रिएक्शंस भी हमारी होती हैं। अब ये तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया अरिष्टा। अब चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम इसकी प्रिपरेशंस करते हैं, यानी आपके सिलेबस में आपको ओनली क्या पढ़ना है, आपको अरिष्टा जैसे है तो इसकी थोड़े से इसके बारे में आपको पढ़ना है, साथ ही में आपको ओनली इसकी प्रिपरेशंस ही यहाँ पे पढ़नी है और कुछ इसके एग्जांपल आपको पढ़ने हैं। तो इसका जैसे फ्रेंड्स नेक्स्ट, चलिए हम इसको पॉइंट टू पॉइंट आगे आपको बता देंगे, यानी किस तरह से यहाँ पर हम अरिष्टा की प्रिपरेशंस करते हैं, चलिए इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डिटेक्शन यहाँ पे करते हैं पाउडर ड्रग्स का, यानी सबसे पहले हम क्या करना है, जब अरिष्टा बनाना है तो हम पाउडर ड्रग लेते हैं, उसका डिटेक्शन कर लेते हैं और उसको क्या कर लेते हैं, फर्मेंटेड यानी एक तरह से क्यूवन करते हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर इसको मिक्स कर देते हैं। साथ ही में क्या होता है, उसमें हम हनी ऐड कर देते हैं और इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, पॉट्स के अंदर हम इसको एक तरह से पैक कर देते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए रख देते हैं। अब अरिष्टा जैसे आपने देखा है ना, जैसे सिरका वगैरह होते हैं, तो क्या होता है गैस, उनको एक तरह से मतलब सड़ाया जाता है, उसके बाद ही क्या होता है, एक तरह से उनमें टेस्ट आता है। तो क्या होता है, उसको जब तक वो पूरा अच्छी तरीके मतलब एक तरह से सड़ ना जाए, तो जब तक उसको रखा रहने देते हैं। फर्मेंटेड मिक्सचर्स इट देन क्लेरिफाइड, यानी फ्रेंड्स जब हमें एक फर्मेंटेड मिक्सचर्स यहाँ पे ऑब्टेन हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको क्लेरिफाई करते हैं। अब क्लेरिफाई का मीन्स क्या होता है, यानी उसको हम एक मीडियम के थ्रू गुजारते हैं, एक तरह से क्या करते हैं, जैसे आपने देखा ना लैब्स वगैरह में आप जाते हैं, जैसे क्या होता है, फिल्टर पेपर होता है। तो भाई क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ को जब किसी भी लिक्विड को फिल्टर पेपर के थ्रू गुजारते हैं, तो क्या होता है, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमें प्योर मिक्सचर्स वहाँ पर ऑब्टेन हो जाता है।
यानी जैसे स्टेनिंग टेक्निक्स हम करते हैं। अब फ्रेंड्स से स्टेनिंग टेक्निक्स होती किसके थ्रू है, यानी जो मसलिन हमारा क्लोथ होता है, यानी यहाँ पे हम फिल्टर पेपर का यूज़ नहीं करते हैं, ये लैब्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो क्या होता है मसलिन क्लोथ, यानी क्या आपने देखा ना सूती कपड़ा होता है जैसे धोती वगैरह होती, तो उसका यूज़ हम करते हैं इसको यहाँ पे छानने के लिए। होता है हमें एक फर्मेंटेड लिक्विड फ्रेंड्स हमें ये ऑब्टेन यहाँ पे हो जाता है। साथ ही में हमें क्या ऑब्टेन होता है, पाउडर ड्रम में ऑब्टेन होती है, साथ ही में वाटर में ऑब्टेन होता है, यानी टू चीज़ें फ्रेंड्स हमें ये ऑब्टेन होती हैं। अब जब हमें टू चीज़ें यहाँ पे ऑब्टेन हो जाती है, तो फर्स्ट वाला हमारे क्या होता है, इसको फ्रेंड्स हम अरिस्टा कहते हैं, यानी जो हमारी ड्रग्स जिसको हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे असावा होती है, तो फ्रेंड्स ये आपका एक सेपरेटली टॉपिक है जिसको आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पे हमने इन दोनों को सेपरेट क्यों किया, क्योंकि जो आपकी क्या होती है अरिस्टा होती है, साथ ही में आपकी असावा होती है, इन दोनों को मिलाकर अगर हम इसका डिस्टिलेशन करते हैं तो आपका क्या बनता है यहाँ पे सोरास, जिसको वाइन और एल्कोहल हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो एल्कोहल जो होता है इसके फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में बहुत ही मेन रोल होता है, यानी जितनी भी आप फॉर्मुलेशंस वगैरह देख लो उसमें क्या होता है नॉर्मली एल्कोहल्स का यूज़ किया ही जाता है। जैसे फ्रेंड्स हम एग्जांपल देख लेते हैं अरिस्टा के क्या हमारे होते हैं, तो आपने जो है अभ्यरिष्टा का हमारे क्या होता है मतलब अरिष्टा होता है, साथ में बालारिष्टा आता है और दशमोला रिष्टा आता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है एक तरफ से हमारे सिरप्स की फॉर्म में क्या होते हैं ये होते हैं, यानी लिक्विड डोजेस फॉर्म्स होते हैं, जिनके यूज़ हम कहते हैं हार्ट डिजीज़ में भी हम करते हैं, साथ ही में अल्सर्स वगैरह में करते हैं, स्टमक जो है डाइजेस्टिव जूस वगैरह, तो इस तरह से क्या करते हैं हम इनका यूज़ करते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट हमें आप देख लेते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अरिस्टा। तो गाइस जैसे पहले मैंने आपको बताया जो यहाँ पे इसका स्टैंडर्डाइजेशन है, तो ये डिफार्मा के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने इसको फ्रेंड्स फुल डिटेल्स में हम देख रहे हैं, यानी ज़्यादा लंबा नहीं है फ्रेंड्स, ओनली कुछ पॉइंट इसमें हमें देखने, जैसे हमें क्या करना है एक तरह से एनालिटिक करना है इसके अप्रोच को, जैसे भाई इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, जैसे इंडेक्स क्या होता है, प्योरिटी क्या होती है, ये कुछ पॉइंट्स हमें इसमें देखने। तो गाइस आप अगर इसको लिखते हैं तो और भी अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, देन आप इसको अगर यहाँ पे नहीं भी लिखते तो आपके कोई भी मार्क्स यहाँ पे नहीं कटेंगे, क्योंकि इसको वैसे हम डिस्कस कर लेते हैं अगर आपको लिखना है तो, देन थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट हम इसको देख लेते हैं। द ट्रेडिशनल एनालिटिकल अप्रोच इन्वॉल्विंग मोनोग्राफ, यानी एक मोनोग्राफ के अकॉर्डिंग क्या क्या फ्रेंड्स इसमें देखते हैं हम इसको, लाइक जैसे फ्रेंड्स विस्कोसिटी जो होती है हमारी 0.531 होती है सीपीओ, साथ में प्लस माइनस 0.12 होती है। अच्छा डेंसिटी जो हमारी अरिस्टा की यहाँ पे निकल के आती है 1.08 प्लस माइनस 30 ग्राम पर सेंटीमीटर आती है। अच्छा इसके डिफरेंट इंडेक्स जो होती है फ्रेंड्स 1.59 और अप्रोक्स होती है, साथ ही में इसकी पोलैरिटी जो होती है यहाँ पे हाई होती है, कहाँ पे वाटर के साथ में अगर इसको मिक्स करते हैं हम। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका कलर जो होता है ब्लैक होता है, डार्क ब्राउन भी होता है, ऑर्डर जो होता है इसका एरोमेटिक होता है, देन लाइकोपोडियम काउंट अगर हम करें तो 94,000 यानी 94,000 पर ml इसका निकल के आता है, इसका pH जो होता है 3.82 प्लस माइनस 1050 इसका होता है, और इसमें अल्कोहल जो कंटेंट होता है 15% वेट पर वॉल्यूम से प्लस माइनस 1.64 तक यहाँ पे होता है। अब ये फ्रेंड्स अरिस्टा हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं असावा, तो फ्रेंड्स फर्स्ट हमारा अरिस्टा हो गया, देन सेकंड हमारे यहाँ पे असावा आता है। तो असावा हमारे क्या होता है कि मतलब एक बिल्कुल लाइक जैसे वाइन होती है एल्कोहल्स होता है उसकी तरह होता है, साथ ही में गाइस क्या होता है हमारे मादक पदार्थ होता है, एक तरह से मतलब नशीला होता है। तो असावा इज द स्पुरियस यानी मादक पदार्थ होता है लिक्विड, साथ ही में ऑब्टेन किया जाता है फर्मेंटेशन ऑफ पाउडर्स ड्रग इन सोल्यूशन ऑफ शुगर, यानी जब इसको हम बनाते हैं तो क्या करते हैं जैसे हमारी फर्मेंटेशन यानी क्यूएन प्रोसेस होती है, तो क्या करते हैं हम ड्रग का पाउडर लेते हैं उसको क्या कर देते हैं शुगर सोल्यूशन होता है उसके अंदर ऐड कर देते हैं जिससे हम असावा ऑब्टेन कर लेते हैं। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यानी किस तरह से क्या करते हैं किस मेथड्स के थ्रू प्रिपरेशन करते हैं यहाँ पे असावा की। तो फर्स्ट फ्रेंड्स हम क्या करते हैं बॉटल लेते हैं, साथ में क्या करते हैं हम शुगर यानी चीनी वगैरह जैसे आप लेते हैं और हनी यानी शहद लेते हैं, सभी को क्या करते हैं हम एक जब मिक्स कर लेते हैं और इसको बॉइल कर देते हैं। तो जब हम क्या करते हैं इसको फ्रेंड्स बॉइल कर लेते हैं, तो हमें एक प्योर एक तरह से देखें तो हमें एक पॉट्स के अंदर हम इसको पलट देते हैं, साथ में क्या होता है फाइन पाउडर्स ऑफ ड्रग हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। अब जब हमें मिल जाते हैं तो क्या कर देते हैं हम इसको सील यानी पैक्ड कर देते हैं किस चीज़ के लिए टाइम्स के लिए हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। सो सम डेज के बाद फ्रेंड्स हम क्या करते हैं यहाँ पे फिल्टर कर लेते हैं प्रोडक्ट को, जब हमने इसको फिल्टर कर लेते हैं उसके बाद क्या कर लेते हैं बॉइल कर लेते हैं जिससे हम अपना असावा जो होता है ये ऑब्टेन हो जाता है। फर्दर फर्मेंटेशन टू अवॉइड यानी फर्मेंटेशन की प्रोसेस यानी क्यूवियन जो होती है उसको अवॉइड करते हैं, उसे अगर हम इसको अवॉइड नहीं करेंगे तो प्रोसेस फ्रेंड्स आगे भी ये चलती रहेगी। अब चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे असावा हमारा होता क्या है, यानी कुमार असावा हमारा होता है, मधु कसावा होता है, साथ ही में वसा का असावा। तो फ्रेंड्स क्या है कुछ अटपटे नाम है, तो ये क्या होते हैं हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं असावा के, यानी क्या होते हैं हमारे मार्केट्स में ये इन्हीं नाम से अवेलेबल होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असावा, तो फर्स्ट हम देखेंगे ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन हम इसका देखेंगे, जैसे फर्स्ट हम क्या कहते हैं इसका कलर देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं, टेस्ट देखते हैं, नेचर देखते हैं किस नेचर का है, टेक्सचर्स एवोल्यूशन तो क्या करते हैं फ्रेंड्स ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन एक तरह से हम इसका करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं इसमें एल्कोहल कॉन्टेंट देखते हैं, डिटरमिनेशन करते हैं कितना एल्कोहल कंटेंट हमारी फॉर्मुलेशन के अंदर प्रेजेंट है। अब क्या करते हैं इसके लिए हम कौन कौन सा अपैरेटस में यूज़ करते हैं, जैसे हम वेटिंग बैलेंस करने के लिए इसमें यूज़ करते हैं, जैसे वेटिंग बैलेंस हमारे होते हैं भाई वेट एक तरह से करते हैं, बीकर का ये बीकर सिलेंडर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं,
डिस्टिलेशन फ्लास्क का हम यूज़ करते हैं, सेपरेटिंग फ्लास्क का हम यूज़ करते हैं, हीटिंग मेंटल का यूज़ हम यहाँ पर करते हैं, तो साथ में स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल्स। तो गाइज ये आप ऑलमोस्ट यहाँ पे जानते हैं लैब्स के क्या होते हैं, हमारे अपैरेटस होते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स थर्ड यहाँ पर हम देख लेते हैं गुटी का, यानी हमारा गुटी का जो फ्रेंड्स ये क्या होता है, तो क्या होता है हमारी एक पिल्स होती है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं छोटी छोटी एक तरह से हमारी जो पिल्स होती है उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे गुटीवा कहते हैं। यानी गुटिका इज ए सॉलिड प्रिपरेशन, यानी गुटिका जो हमारी सॉलिड प्रिपरेशन होती हैं साथ में अवेलेबल होती हैं फॉर्म में पिल्स, यानी पिल्स की फॉर्म में क्या होती है हमारी एक तरह से टेबलेट्स की फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई यूजिंग वेजिटेबल्स एनिमल्स मिनरल्स इन कॉम्बिनेशन और इंडिविजुअली, यानी जब हम क्या करते हैं गुटिका यानी ये जो हमारी टेबलेट्स होती है पिल्स होती है इनको जब हम प्रिपेयर करते हैं तो कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, वेजिटेबल सोर्सेज का हम यूज़ करते हैं, एनिमल सोर्सेज का यूज़ करते हैं, मिनरल्स का यूज़ करते हैं, तो इन सभी को कॉम्बिनेशन करके क्या कर लेते हैं हम एक तरह से इंडिविजुअली हम इन पिल्स को बना लेते हैं गुटिका को। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपेशन, यानी हमारे जो गुटिका की पिल्स होती है इनको किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्टली फ्रेंड्स हम क्या करते हैं जिन इंग्रेडिएंट्स के हमको यहाँ पे पिल्स यानी गुटिका बनानी होती है उसके रिक्वायर्ड अमाउंट में ले लेते हैं और साथ में उसको सुखा एक तरफ से ड्राई कर लेते हैं और उसको एक्यूरेटली वेट कर लेते हैं, यानी जितने वेट्स में हमें उसको लेनी होती हैं। अब उसको क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे पल्वराइज, यानी एक तरह से क्या करते हैं हम इस सब चीज़ को एक तरह से भाई मिक्स हमने किया इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पाउडर फॉर्म में। जब हमारी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है एंड सीव्ड, यानी क्या होता है अभी किसी भी सीव के थ्रू हम इसको पास कर लेते हैं एक तरह से छान लेते हैं। देन हम क्या करते हैं जब फ्रेंड्स हमें पाउडर फॉर्म यहाँ पे ऑब्टेन हो जाती है तो उसको क्या करते थे आप मिक्स हम कर लेते हैं होमोजन मिक्सचर्स के साथ में एंड ट्राइचुरेट विजन मोटार पिस्टल। तो फ्रेंड्स जो मोटार पिस्टल हमारे होते हैं उसके हेल्प से क्या कर लेते हैं इसको हम ट्राइचुरेट कर लेते हैं। जब इसको ट्राइचुरेट कर लेते हैं तो फिर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं प्रिस्क्राइब्ड फ्लोरिंग एडिंग विद फ्लोरिंग एजेंट्स आर मिक्स वेल, यानी क्या करते हैं जैसे हमारे क्या होते हैं प्रिस्क्राइब्ड फ्लोरिंग एजेंट्स होते हैं जैसे हमारा वेजिटेबल ऑयल हो गया, हनी वगैरह हो गया, इन सबको इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, साथ में क्या कर लेते हैं इसको मिक्स यहाँ पे कर लेते हैं। अब भाई हम क्या करते हैं यहाँ पे मेक स्मॉल साइज ऑफ पिल्स एंड ड्राइड इन सनलाइट, यानी जब हमारा क्या हो गया मिक्स हो गया यहाँ पे अच्छी तरीके से तो हम भाई हमारी जो पिल्स होती है छोटी छोटी उसमें इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हमने जो टैबलेट्स में पढ़ा था क्या थी हमारी जो फ्रेंड्स एक तरह से पंचिंग मशीन थी उसके थ्रू हम क्या कर लेते पंच करते तो अपनी पिल्स ऑब्टेन कर लेते यानी टैबलेट्स। तो क्या होता है इसको हम स्मॉल साइज़ की पिल्स यहाँ पे बना लेते हैं, पिल्स हम टैबलेट्स को फ्रेंड्स हम कहते हैं एंड क्या करते हैं इनको सुखा लेते हैं। अब सुखाते क्या है तो ड्राइड सनलाइट यानी जो आपके सूर्य की रोशनी होती है उसमें हम इसको सुखा लेते हैं। जब हमारी पिल्स यहाँ पे बनके प्रिपेयर हो जाती है तो हम स्टोर कर लेते हैं वेल क्लोज्ड कंटेनर में, इससे हमारी क्या होती है गुटिका की पिल्स यहाँ पे प्रिपेयर हो जाती हैं। अब इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल्स में क्या यानी हमारी क्या ये गुटिका की पिल्स होती हैं। तो लासा मोदी के नाम से आती है, गुटिका के नाम से भी आती हैं, मारमा के नाम से मारमा गुटिका के नाम से आती है और बिलवादी गुटिका। तो फ्रेंड्स ये क्या है इसके प्रिपरेशंस होती हैं जो आपको नॉर्मली मार्केट्स वगैरह में देखने को मिलती हैं। अब चलिए इसमें देख लेते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गुटिका। तो गाइस जैसे पीछे मैंने आपको बताया अगर आपको ये अच्छा लगता है याद आ रहा है तो आप लिख सकते हैं देन आप इसको यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। जैसे जनरल अपीयरेंस इसका हम देखते हैं भाई जनरल अपीयरेंस हम क्या देखते हैं यानी शुड बी गुड फॉर कंज्यूमर यानी कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपीयरेंस ये होती है क्योंकि स्मॉल पिल्स होती है इजिली इनको एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। शेप एंड साइज हम इसका देख लेते तो इसका शेप और साइज जो होता है डायमेंशनली डिस्क्राइब पहले से ही होता है यानी भाई इतने साइज में हमें इसको बनानी है और इसको इजिली कंट्रोल भी यहाँ पे किया जा सकता है। अब भाई अदर टेस्ट हमें किया यानी जब हमारी पिल्स एक बनकर प्रिपेयर हो गई जैसे हमने पीछे टेबलेट्स पढ़ा था तो उसमें हम उसके एवोल्यूशन टेस्ट करते थे तो इसलिए क्या होता है इन पिल्स के भी थोड़े से हमें टेस्ट करने होते हैं जिससे हम पता लगा सकते थे ये टेबलेट्स जो है यूजअली यूज़ करने लायक है या नहीं। तो हम क्या करते हैं हार्डनेस का टेस्ट करते हैं भाई अगर हम इसको ट्रांसफ़र कर लें तो कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए रास्ते में। वेट वेरिएशंस करते हैं जितने वेट में हमने बनाई थी उसके वेट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसके अवेलेबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स और भी इसमें दो तीन टेस्ट होते हैं इन सभी टेस्ट हमारे अगर ये वेरीफाई हो जाते हैं तो हम एक जो हमारी जो गुटिका होती है पिल्स होती है उसको ह्यूमन यूज़ के लिए हम आप यूज़ कर लेते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हमें आप देख लेते हैं चूरना। चूरना आप सभी जानते हैं क्या होता है चूरन भी जब हम छोटे थे तो चूरन खाते थे बच्चे क्या होता है एक एक रुपए का चूरन लेकर दुकान से ला के खाते थे। देन यहाँ पे क्या हो रहा है थोड़ा हाई क्वांटिटी में यूज़ हो रहा है एक तरह से हाई लेवल पे यूज़ हो रहा है यानी यहाँ पर हम इसका यूज़ कैसे करें एक तरह से टेबलेट्स बनाने में या आप भी देख आयुर्वेदिक हमारे चूरन्स वगैरह होते हैं उस तरह से हम क्या करते हैं इसका यूज़ करते हैं। एक तो चूरन फ्रेंड्स एक तरह से पाउडर आप इसको कहें तो इनको आप ईजिली ऐसे भी यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ हम इनको कैप्सूल्स वगैरह होते हैं उसमें ग्रैन्यूल्स बना के तो कैप्सूल के फॉर्म में आप यूज़ कर लेते हैं साथ में टैबलेट्स के फॉर्म में आप इनका यूज़ कर लेते हैं। तो क्या होता है चूरन जो हमारी होती है एक अल्टरनेटिव सॉलिड डोज फॉर्म्स होती है यानी फ्रेंड्स क्या होती है अल्टरनेटिव तरीके से हम इसका यूज़ कर लेते हैं। फॉर्म्स में किसकी होती है ड्रग्स की यानी ड्रग्स की डोज फॉर्म्स यहाँ पर ही होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चूरन आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स यानी फ्रेंड्स हमारे जो चूरन एक तरह से पाउडर होता है इसको एयर टाइट कंटेनर में यहाँ पर स्टोर किया जाता है क्योंकि नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यानी फ्रेंड्स हमारे जो चूरन होता है किस तरह से हम उसके प्रिपरेशंस करेंगे। तो गाइस यहाँ पर जो हम इसके प्रिपरेशंस करेंगे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक मोनोग्राफ इसके हम यहाँ पे करेंगे।
तो फर्स्टली फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, हमें जो भी हमारे पाउडर के पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, हमारे जो 80 नंबर की यानी 80 नंबर की सीव होती है उसके थ्रू हम इसको पास करते हैं। जब हमारी फ्रेंड्स से पास हो जाती है तो हमारे जो रिक्वायर्ड पोर्शंस होता है ईच पाउडर डिस्क का, उसको हम क्या कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं और उसको मिक्स कर देते हैं आपस में। यानी मान लीजिए आपके दो पाउडर्स हैं यानी ड्रग्स आपके दो तीन आपके पास है जिसका आपको पाउडर बनाना है, तो सभी का आपको जितना पोर्शन लेना है पाउडर्स को आप लेते हैं, साथ में उसको मिक्स कर लेते हैं टुगेदर, जिससे क्या होता है आपका एक चूर्ण यहाँ पे बन के प्रिपेयर हो जाता है। जब आपका प्रिपेयर हो जाता है तो आप इसको वेल क्लोज्ड कंटेनर में यहाँ पे एक तरह से ट्रांसफर कर देते हैं। अब चलिए यहाँ देख लेते हैं एग्जांपल्स, यानी कौन कौन से एग्जांपल्स हमारे यहाँ चूर्ण के होते हैं। तो वैसे बहुत ही सारे एग्जांपल्स होते हैं, चलिए कुछ हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अग्निमुख चूर्ण होता है, साथ में अश्वगंधा का चूर्ण होता है, जैसे हमारे ताकत के लिए यूज़ होता है अश्वगंधा जो होता है ये, साथ में बिलवादी चूर्ण होता है, इलादी चूर्ण होता है, महासुदर्शन चूर्ण होता है, त्रिफला चूर्ण होता है। तो भाई त्रिफला तो होता है क्या होता है आपके पेट की खराबी के लिए सही, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए। महासुदर्शन जो होता है फ्रेंड्स फीवर वगैरह में दे देते हैं, इलादी चूर्ण इसको हम यूज़ कर लेते हैं, बिलवादी जो होता है या आपका एक तरह से पेट के उसमें यूज़ कर लेते हैं। तो जो फ्रेंड्स आपको नॉर्मली चूर्ण नहीं पाउडर्स आपको देखने को मिलेंगे, सभी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस होती हैं, तो आपको जनरली क्या होता है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं उनमें जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो इनको नॉर्मली यहाँ पे चलाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ चूर्ण। तो फ्रेंड्स इसका जो पीएच होता है यहाँ पे 7 से 11 तक हो सकता है, टोटल इसके एच वैल्यू जो होती है 4.76 प्लस माइनस 0.08 तक इसकी होती है। ये अल्कोहल सोल्यूबल जो होते हैं यहाँ पे 7.87 प्लस माइनस 0.09% तक हो सकते हैं। इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है यहाँ पे बाय यूजिंग एलओ डी के अकॉर्डिंग होता है। अच्छे इसकी डेंसिटी जो होती है इसके पार्टिकल साइज की 0.1 से 0.7 ग्राम पर ml इसकी हो सकती है। अब हम देख लेते हैं लेहियान। फ्रेंड्स हमारा लेहियान क्या होता है, जनरली आपने देखा है ना च्यवनप्राश जो होता है फ्रेंड्स वो हमारा लेहियान होता है, यानी एक तरह से क्या होता है हमारे सेम सॉल्ट प्रिपरेशंस होती है। साथ में इसको प्रिपेयर्ड हम कैसे करते हैं, हमारी जो जेगरी होती है, शुगर होता है, मिश्री होती है, और साथ में अगर हमारे जो होते हैं मतलब एक तरह से जूस की फॉर्म में ये हमारे होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं यहाँ पर लेहियान होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस। तो गाइस आवाज़ आपको थोड़ी सी कम हो गई होगी ज़्यादा बोलने की वजह से ऐसा हो जाता है। तो फर्स्ट हम फ्रेंड्स देखेंगे रिक्वायरमेंट्स, यानी कौन कौन से हमें इंग्रेडिएंट्स लेने होते हैं जब इसके प्रिपरेशंस करते हैं। तो फर्स्ट फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, सुक्रोज लेते हैं, शुगर लेते हैं, कैंडी हम लेते हैं, पाउडर्स का ड्रग्स हम लेते हैं, ऑयल लेते हैं, साथ ही में अदर लिक्विड इंग्रेडिएंट्स लेते हैं जब हम इसके प्रिपरेशंस करते हैं। अब जब इंग्रेडिएंट्स हमने सारे ले लिए तो किस तरह से हम इसके प्रिपरेशंस करेंगे। तो फर्स्ट फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, पाउडर ड्रग्स हम ले लेते हैं और साथ में इसको डिजोल्व कर देते हैं एक लिक्विड्स के अंदर। जब इसको अच्छे से फ्रेंड्स हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं, देन उसके बाद हम क्या करते हैं हमारा एक सॉल्यूशन बनके प्रिपेयर हो जाता है। अब इस सॉल्यूशन को फ्रेंड्स हम क्या कर लेते हैं, बॉईल कर लेते हैं यहाँ पे मॉडरेट फायर के अकॉर्डिंग। देन हम क्या कर लेते हैं, हमारे फ्रेंड्स क्या होता है यहाँ पे बॉइल्ड हो जाता है, इसमें पाउडर ऑफ ड्रग्स यानी ऐड करते थे पाउडर ड्रग्स यानी पाउडर्स की फॉर्म में जो हमारी ड्रग्स होती है इसको स्टील कर लेते हैं कंटिन्यूसली। यानी फ्रेंड्स क्या होता है हमारी जो रोड होती है स्टील एक तरह से इसको मतलब अच्छे से और भी मिक्स कर लेते हैं जब से हमारे मतलब हमारा एक होमोजीनस मिक्सचर बन के प्रिपेयर ना हो जाए। नेक्स्ट हम क्या करते थे फ्रेंड्स, में ऐड कर लेते हैं जैसे हमारा घी वगैरह होता है, ऑयल होता है, सभी इसको इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं मधु यानी शहद वगैरह आपने देखा है ना उसके अंदर हम इसको मिक्स कर लेते हैं और हमारा क्या होता है एक तरह से हमारा यहाँ पे बन के प्रिपेयर ये हो जाता है लेहियान जो होता है। अभी इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे हमारा कोता जवा लेबल होता है, साथ में दृष्टा वाला होता है और भाई वसा वेला, फ्रेंड्स काफ़ी अटपटे नाम है आप इसको यहाँ पर देख लें। यहाँ पे हम देख लेते हैं 0.6 फ्रेंड्स हम अपना देख लेते हैं भस्मा। अभी भस्मा जो होती है इसको हिंदी में हम राख कहते हैं, साथ ही में भस्मा आपने देखा है जो पंडित लोग वगैरह कहते हैं भाई इसको भस्म कर देंगे उसको भस्म कर देंगे, यानी उस भस्म का यूज़ वहाँ पे करते हैं। हमारी होती है पाउडर फॉर्म में होती है, साथ ही में हमारी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होती है। अब इसको ऑप्टेन हम कहाँ पर करते हैं, जैसे भाई मेटल्स ऑप्टेन करते हैं भस्म भाई एक तरह से जलने के बाद जो होता है हमें मेटल्स भी ऑप्टेन कर सकते हैं, मिनरल्स हम इसको ऑप्टेन कर सकते हैं, साथ में मैरिन होता है और एनिमल्स यानी हमारी सोर्सेज होती है जिससे हम ऑप्टेन करते हैं यहाँ पे भस्म को प्रिपेयर की जाती है फ्रेंड्स यहाँ पे कैल्सिनेशन के थ्रू। अब इसको क्या कर देते भाई इन सभी जान जो हमारे मेटल्स हो गए यहाँ पे मेटल्स हो गया, मिनरल्स हो गए, मैरिन हो गया, एनिमल्स हो गए, इन सभी को हीटिंग एक तरह से हम करते हैं हमारे सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं, साथ में क्या करें एयर की प्रेजेंस में इसको चेंज कर लेते हैं ओरिजिनल फॉर्म में यानी भस्म की फॉर्म में। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, यानी किस तरह से हम इसके प्रिपरेशन फ्रेंड्स हम करते हैं। तो इसको टू मेथड्स के थ्रू यहाँ पे हम प्रिपरेशंस करते हैं, यानी एक तो हमारी होती है सामान्य साधना यानी फ्रेंड्स जो ऐसे हवन वगैरह होते हैं तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, दिस प्रोसेस इज एप्लीकेबल्स टू द लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स एजेंट्स, यानी फ्रेंड्स ये जो हमारी प्रोसेस होती है एक तरह से लार्ज नंबर में हम इससे भस्म को एक तरह से बनाते हैं मिनरल्स एजेंट्स के थ्रू। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
थिन शीट ऑफ मेटल्स आर हीटेड, यानी फ्रेंड्स वो थिन शीट होती है, यानी हम मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मेटल से क्या कर रहे हैं, हम भस्म को ऑब्टेन कर रहे हैं। तो मेटल की जो हमारे यहाँ पे थिन शीट होती है उसको क्या करते हैं हम यहाँ पे हीट करते हैं। अब इसको क्या करते हैं भाई, इसमें हम क्या करते हैं तिला वगैरह तेल वगैरह होता है, क्या होता है गोमूत्र वगैरह होता है, और साथ में तड़का, एक तरह से हम इसका तड़का लगाते हैं तब जब तक इसकी रिमूव, यानी इसके जो अंदर जो टॉक्सिसिटी, यानी हमारे जो मेटल है फ्रेंड्स उसके अंदर भी टॉक्सिसिटी होती है, जब तक ये टॉक्सिसिटी वहाँ पर क्या हो जाए यहाँ पर मतलब एक तरह से रिड्यूस ना हो जाए, जब तक इसको हम क्या करते हैं एक तरह से हीट करते हैं। अब नेक्स्ट मेथड हम यहाँ देख लेते हैं वशीय साधना। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये वशीय साधना क्या होती है, तो इसमें क्या करते हैं प्योरीफिकेशन करने का वर्क करते हैं, यानी हमारे जो क्या होता है मेटल्स वगैरह होता है मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो क्या करते हैं हम हीटिंग के थ्रू हम इसका यहाँ पे प्योरीफिकेशन कर लेते हैं, साथ में हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे सर्टेन ड्रग्स जो होती है उसको हम ईजिली यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं। अब भाई हम देख लेते हैं भस्म के कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे हमारी मुक्ता भस्म होती है, गुणांति भस्म होती है, साथ में हमारी प्रवेला भस्म होती है। तो फ्रेंड्स ये इसके कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हो जाते हैं। अब स्टैंडर्डाइजेशन हम इसके देख लेते हैं, इसका कलर जो होता है येलो भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है। अच्छा इसका ऑर्डर जो होता है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और साथ में क्या होता है फ्रेंड्स मोर स्टेबल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स अपना 0.7 यानी तिला हमारा ही क्या होता है, तो फ्रेंड्स जनरली इसको हम ऑयल भी हम कहते हैं। अच्छा इसको और किसी नाम से हम जानते हैं, तिला आर कार्ड फ्रेंड्स स्नेह के नाम से, हम कल्पा के नाम से भी इसको हम जानते हैं और पाका के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो जनरली फ्रेंड्स इसको प्रिपेयर को दिया जाता है हमारा जो कुकिंग ऑयल होता है उसकी हेल्प से हम इसको जनरली प्रिपेयर करते हैं। चलिए इसमें कुछ एग्जांपल हम इसमें देख लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे असाना बिलवादी फ्रेंड्स तिला होता है, साथ में क्या होता है भिरिंगा मलाका तिला होता है, साथ में ब्राह्मी तिला होता है, साथ में हमारा मंजिश ताड़ी। तो फ्रेंड्स ये कुछ हमारे एग्जांपल्स थे इसके। अब चलिए इसमें एक एग्जांपल को फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे असाना बिलवादी तिला होता है, तो क्या होता है जनरली इसको मसाज के लिए यूज़ करते हैं, जैसे भी स्किन पर पेन किलर वगैरह के एक क्लास हम यूज़ करते हैं। ये अच्छा यूज़फुल यहाँ पर होता है जो हमारे एक्सटर्नल एप्लीकेशंस होती है, जैसे आपकी स्किन वगैरह होती है उस पर क्या होता है एग्जमा आपको हो जाता है या आपको स्किन डिसीज बहुत ही टाइप्स की हो जाती है, तो उसमें भी इसका हम जनरली यूज़ करते हैं। तो गाइस आपके टॉपिक्स यहाँ पर कम्प्लीट्स हो जाता है, यानी आपका जो फार्माकोग्नोसिस का चैप्टर 11 है फ्रेंड्स वो कम्प्लीट्स हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझ आया होगा। देन इसके बाद फ्रेंड्स आपका कोई डाउट रह गया इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें जिससे उनको भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में।